दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक लाजवाब बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है आरसीबी बनाम केकेआर के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने 200 रन लगा दिए 5 विकेट के नुकसान पर। आइए आपको बताते हैं कैसे इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम। दोस्तों शुरुआत आरसीबी की इस मुकाबले में ज्यादा बेहतरीन नहीं रही। सुरेश शर्मा की इस गेंद को फफ दुपली से पढ़ नहीं पाए। बल्ले का एज लेकर रिंकू सिंह के हाथों में जाकर गिरी गेंद। 17 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते डुप्लेसिस आउट हुए। 200 रन के बाद बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली और तीसरे नंबर पर अचानक आए शहबाज अहमद। लेकिन शहबाज अहमद भी सुरेश शर्मा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और ये भी मात्र 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 200 रन के बाद आए मैक्सवेल। चक्रवर्ती गेंद पर पहली गेंद पर तो इन्होंने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर चक्रवर्ती की एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड वीजा को कैच दे बैठे। बड़ा झटका लगा आरसीबी की टीम को। ग्लेन मैक्सवेल मात्र 5 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद लोबरो और कोहली के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी। देखते ही देखते विराट कोहली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनके सामने लोबरो जो 34 रन पर आ चुके थे 18 गेंदों में, चक्रवर्ती की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और सीधा रसल के हाथों में मार बैठे। 34 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते महिपाल लोमरोर आउट हुए। 200 फिर विराट कोहली आ गए 54 रन पर, उनका साथ देने आए दिनेश कार्तिक। लेकिन रसल की इस गेंद को विराट कोहली बाउंड्री तक नहीं पहुंचा पाए। बल्ले का एज लेकर वेंकटेश अय्यर के हाथों में जाकर गिरी गेंद। आरसीबी की आखिरी उम्मीद समाप्त हुई। विराट कोहली कप्तान 54 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते आउट हुए, जिसके चलते 5 बड़े विकेट चले गए 13 ओवर में। अभी भी आरसीबी को जीत के लिए 40 गेंदों पर 75 रनों की दरकार है। दिनेश कार्तिक बल्लेबाज हैं। लेकिन दोस्तों आप आरसीबी की बल्लेबाजी और केकेआर की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में चेन्नई स्वामी के मैदान पर एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आए, लेकिन आरसीबी के नए कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। जेसन रॉय और नारायण जगदीशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों जेसन रॉय ने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल के साथ उनका साथ दे रहे थे नारायण जगदीशन। लेकिन उसके बावजूद भी एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए इस ओवर में शहबाज अहमद के जेसन रॉय ने, और देखते ही देखते मात्र 22 गेंदों पर अपने अर्धशतक तक पहुंच गए जेसन रॉय। पावर प्ले में 60 के पार चली गई कोलकाता की टीम, शुरुआत ताबड़तोड़ मिली। लेकिन उसके बाद 8वें ही ओवर में जगदीशन ने इस गेंद को पढ़ नहीं पाया वैसा की और पीछे विली को कैच दे बैठे। विजय कुमार ने बड़ी विकेट निकाल कर दी। जगदीशन 27 रन बनाकर आउट हुए। 88 पर पहली विकेट गिरी केकेआर की। लेकिन उसके अगले ही ओवर में वैशाख विजय ने बड़ी विकेट निकाल कर दी। जेसन रॉय इस तरीके से यॉर्कर गेंद को पढ़ नहीं पाए, बोल्ड होकर रह गए। विजय वैशाख ने बड़ी विकेट निकाल कर दी आरसीबी को। 56 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते रहा आउट हुए। दोस्तों लेकिन उसके बावजूद भी वेंकटेश अय्यर के सामने नीतीश राणा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और 48 रन तक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी हसारंगा की इस गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का एज दे बैठे। पीछे विजय ने शानदार कैच लपक ली, बड़ी विकेट मिली आरसीबी को। 48 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते नीतीश राणा आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए रसल मसाल, लेकिन उनके ठीक पहले ही वेंकटेश अय्यर हसरंगा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का एज लेकर सीधा मैक्सवेल के हाथों में जाकर गिरी गेंद। खराब बल्लेबाजी कर वेंकटेश अय्यर आउट हुए 31 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों उनके बाद आए रिंकू सिंह और इन्होंने आते ही सिराज के एक ओवर में 14 रन जड़ दिए। लेकिन उनके अगले ही ओवर में आखिरी गेंद पर आ गए सिराज के सामने आंद्रे रसल, और सिराज ने अपनी पहली गेंद पर बोल कर रख दिया आंद्रे रसल को, जिसके चलते मात्र 1 रन बनाकर आंद्रे रसल खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। लेकिन उसके बाद आए डेविड वीजा और इन्होंने आखिरी ओवर में 2 बेहतरीन छक्के लगाए, जिसके चलते 200 रन तक पहुंच गई केकेआर की टीम 5 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों 200 रन फ्लैट पिच पर केकेआर की टीम ने लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों आरसीबी की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, विराट कोहली की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें